टुडे नाउ स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन सर। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? फ्रेंड्स, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा हो जाता है? एनीमिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से कौन सा हो जाता है? घेंघा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विटामिन बी सेवन में कौन सा तत्व पाया जाता है? फ्रेंड्स, कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? फ्रेंड्स, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन बी जिंक पाया जाता है, इसका सिंबल होता है ZN। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह हो जाता है, इसी को डायबिटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज भी इसी कहते हैं। इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज या मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स, ऑप्शन बी एफ वेंटिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लीज इनको रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्व ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? मुंबई में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मलेरिया संस्थान कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, नई दिल्ली, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? फ्रेंड्स, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? फ्रेंड्स, ए बी है, डी बी, ई बी, सभी, उपयुक्त में से सभी। फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, ये चार होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, और जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरने लगते हैं? फ्रेंड्स, विटामिन बी सेवन, इसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए, इसका रासायनिक नाम बायोटिन है, क्या है? बायोटिन। किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरने लगते हैं या झड़ने लगते हैं? विटामिन बी सेवन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटिन है, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण शरीर में लकवा मार जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण शरीर में लकवा मार जाता है? ऑप्शन बी विटामिन बी सेवन। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विटामिन बी सेवन किसमें पाया जाता है? फ्रेंड्स, मूंगफली, अंडा, फल, उपयुक्त सभी में पाया जाता है, और विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। इसे विटामिन एच भी कहते हैं, रासायनिक नाम बायोटिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गोल्डन आवर का संबंध किस बीमारी से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूपीएससी में पूछा भी गया था 2015 में। गोल्डन आवर का संबंध किस बीमारी से? फ्रेंड, हार्ट अटैक से। किससे? हार्ट अटैक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये यूपीएनएचएम 2018 में पूछा गया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? रिसीवर इसे कहते हैं, ऑप्शन बी ए बी को, और सर्वदाता किसे कहते हैं? ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहलाता है? ऑप्शन ए।
कौन सा होता है? ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड्स चार प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी। कौन कौन से होते हैं? ए बी, ए बी और ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप, या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? फ्रेंड किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ऑप्शन बी, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एंटीजन ए और एंटीजन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन होता है? ए रुधिर वर्ग में कौन सा होता है एंटीजन? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है। और कौन सा ए रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन होता है? ए एंटीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन होता है? फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बी एंटीजन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ओ रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? फ्रेंड्स बी या ओ या ए बी या कोई नहीं, फ्रेंड्स कोई नहीं पाया जाता, ऑप्शन डी। ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कई बार। रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? ऑप्शन ए 60%। कितने प्रतिशत? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? फ्रेंड्स 90%, ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त शरीर के भाग का कितने प्रतिशत पाया जाता है? मानव शरीर में रक्त शरीर के भाग का कितने प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन ए 7% पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 7%। फ्रेंड्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज फ्रेंड्स राइट डाउन और डेली प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।